आर्टिकल 254 ये कहता है कि आईन में कोई भी वक्त अगर मुकर्रर किया गया है, अगर उस वक्त में वो काम ना हो तो वो उस वक्त में काम ना होने की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकता। वो इनवैलिड नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज और पूछ ले, अगर वो नहीं हो सकता 60 दिन में तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कैसे आगे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो है उस फिर से जो है नहीं वो डॉक्टर नहीं है, वो एक बकायदा आर्टिकल है जो 254 में इश्यूज तो है, डिलिमिटेशन इश्यूज है, सेंसस का अभी जो 5% ब्लॉक्स हैं उनका रिजल्ट आना है, थर्ड पार्टी ऑडिट आना है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स होने अभी भी तकरीबन कोई 100-150 लेकिन इलेक्शन वक्त पे होने आ चुके हैं, इलेक्शन पाकिस्तान का बका का इलेक्शन मेरा ख्याल है सही तरीके पे होना चाहिए, एक दो महीने से फर्क और कोई निगरान फेयर होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, अगर हुआ तो अनरेस्ट होगा, नवाज शरीफ को सजा पे हो या ना हो, इलेक्शन डिले हुआ तो अनरेस्ट होगा मुल्क में, ये बहुत खतरा है। द कंट्री नीड्स अ रिन्यूअल एंड द इलेक्शन और वेंटिलेशन चाहिए, एग्जैक्टली रिन्यूअल वेंटिलेशन व्हाटएवर यू कॉल इट, इट्स टाइम फॉर अ रीसेट, द इलेक्शन विल प्रोवाइड इट।